हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज हम लोग करने वाले हैं बीएम में हमारा थर्ड लेसन चालू है, इंटरेस्ट एंड एन्युटी का। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू का पार्ट है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू एन, ठीक है। सो इधर क्या दिया, क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6000 पेएबल 2 ईयर्स हैंस इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 8%। तो ए क्या दिया हुआ है हम लोग को, सम ड्यू दिया हुआ ना, पेबल, ये पे होने वाला है। सो ए इक्वल्स टू 6000, आई इक्वल्स टू 0.08, एन इक्वल्स टू 2। हम लोग क्या नहीं मालूम है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं मालूम है। सो पी वी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेस टू एन। सो ए कितना है, 6000, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.08 वेस्ट टू 2, विच इज नथिंग बट 6000 वेस्ट टू डिवाइड बाय 1.08 वेस्ट टू 2। क्या आएगा आपको आंसर, क्या आएगा? सो आपको आंसर क्या मिलेगा, 6000 डिवाइड बाय 1.1664। सो नाउ आप डिवाइड करो, आपको क्या आंसर मिलेगा, आपका पी वी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू रुपीज 5144। ओके, 0.03 है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है? ओमिशा प्रोमिस टू गिव प्रिया 12000 आफ्टर 3 ईयर्स, शी ऑल्सो प्रोमिस टू गिव हर अनदर 20000 आफ्टर 4 ईयर्स। 3 साल के बाद उसको कितना, 12000 रुपये मिलता है, और फिर 4 साल के बाद 20000। वॉट इज द प्रेजेंट वैल्यू वर्थ ऑफ बोथ दिस पेमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट 9%। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करने का है, क्या फाइंड आउट करने का है, दोनों का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, ठीक है। इन शॉर्ट प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, तो पहले फर्स्ट का निकालते फॉर 3 साल वाला, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आफ्टर फॉर 3 ईयर्स, दोनों का वैसे भी दोनों को ऐड करके टोटल हम लोग को मिलने वाला है, तो कोई नहीं, इधर लिख लेते फॉर 3 ईयर्स P1 प्रेजेंट वैल्यू 1, ठीक है। इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, A डिवाइड बाय 1 प्लस I वेस्ट टू N। A कितना है, मतलब कितना मिलने वाला है, 12000, ठीक है। 1 एज इट इज, ये हो जाएगा 0.9 वेस्ट टू 3। अब ये 0.9 कैसे हुआ ये बताऊँ कि आप लोगों को समझ में आए, बता देती हूँ। हाँ, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। इस ये अगर इंटरेस्ट करेंगे, इसको आर को आई में कन्वर्ट करते तो डिवाइड बाय 100 करते, 9 को डिवाइड बाय 100 करोगे आपको मिलेगा 0.09, ऑफर नहीं है, ओके, 0.09। तो 0.09 प्लस 1 करोगे तो आपको मिलेगा 1.09 वेस्ट टू 3। सो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 12000 डिवाइड बाय 1.295029, ये टोटल है, इसको डिवाइड कर दो। सो आपका 3 साल का क्या प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 9266.2 है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, रुपीज लिख देते 0.220 है, ठीक है, रुपीज। ये आपका क्या हो गया फॉर 3 ईयर P1। अब P2 ढूंढते जो है 4 साल बाद, फॉर 4 ईयर्स PV2 प्रेजेंट वैल्यू सेकेंड, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, तो हम लोग डायरेक्टली अमाउंट पुट करते इन, हम लोग को कितना मिलेगा, 20000 मिलने वाला है, डिवाइड बाय बाकी का सब सेम है, 1.09 वेस्ट टू, बस ये 4 हो जाएगा, ओके। सो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1.41158, मैंने पूरा नहीं लिया है, कितना लिया है, 5 डिजिट लिया है। आप इसको डिवाइड करो, आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14168.52 रुपीज़,
ये आपका क्या हो गया प्रेजेंट वैल्यू सेकेंड। अब यहाँ पे क्या बोला हम लोग को एक्चुअली में क्या बोला है, वॉट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोथ दिस पेमेंट, दोनों के पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू क्या, दोनों का तो मीन्स प्रेजेंट वैल्यू टोटल प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू PV1 प्लस PV2। तो PV1 हमारा कितना था 9266.20 राइट प्लस 14168.52, दोनों को अभी ऐड कर दो, यू आर गोइंग टू गेट 23,000, कितना मिलेगा 23,434.72। क्लियर। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू कितना है 23,434। ठीक है, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, क्या बोला है, इफ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम इज इतना ड्यू आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब ए बी दिया है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, पी वी इक्वल्स टू 29,160, और क्या दिया हुआ है आपको इधर, एन इक्वल्स टू 2 और ए इक्वल्स टू 25,000। सो फॉर्मूला क्या है, पी वी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय 1 प्लस आई वेज टू एन। तो हम लोग को आई ही फाइंड आउट करने का है, इन शॉर्ट आर फाइंड आउट करेंगे। तो पी वी कितना दिया, 29,160 इक्वल्स टू 25,000 ये डिवाइड बाय 1 प्लस आई वेज टू 2। अब ये क्या हो जाएगा, सो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप हो गया ये। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, 1 प्लस आई वेज टू 2 इक्वल्स टू 29,160 डिवाइड बाय 25,000। नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो इन तो इधर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये अलग ले लिया। सो आपको कितना मिलेगा, 1 प्लस आई वेज टू 2 इक्वल्स टू डिवाइड करो, सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1.1664। इसका आपको स्क्वायर निकालने का जो अमाउंट आएगा वो आपको टोटल ये होना चाहिए। सो ये ओके, इसे मैं स्क्वायर निकाला 1.08 है। सो इसका अगर मैं स्क्वायर निकालती हूँ तो 1.08 वेज टू 2 हो गया ये। सो ये आपको क्या होना चाहिए, 0.08, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.08 वेज टू 2 इसका हो जाएगा। देयरफॉर आई इक्वल्स टू 0.08, देयरफॉर R equals to 8%। So here we have completed with our present value questions। तो हमारे जितने भी present value के जो भी questions हैं हमने यहाँ पे complete कर लिए हैं। Thanks for watching। Please like, share and subscribe।